फिजिकल नेचर के हिसाब से जितने भी ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट जनरली कैसा होता है, हार्ड, ये पाउडर फॉर्म में, मगर अगर हम इसको दबा दे तो दबाने के बाद हम इस सॉल्ट को पूरा खड़ा हो सकते हैं, पता है ना सबको। ये सॉल्ट जनरल को इसके अंदर ले लूं, इतना ले लूं ठीक है, पहले मैं जो चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा वो ध्यान देगा। ये स्टार्ट हुआ बस, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है पूरा वीडियो में, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट हमें दिख रहा है क्योंकि एक बंदे को ये नॉर्मली टच करने पे जल रहा है, हमें पता है ये कंडक्ट कर रहा है इधर से उधर वायर है। नॉर्मली सॉल्ट, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, नमक एक Na होता है इसमें पार्टिकल, दूसरा Cl होता है, दोनों चार्ज आयनिक करंट को इधर से उधर जाने देना चाहिए। क्या अगर मैं इस सॉल्यूशन में जैसे ही मैं इसको पकड़ूं इसके अंदर दोनों तारे डालूंगा तो क्या ये बन जल जाएगा, जल जाएगा। आयनिक सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्ट है, अभी ये कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, मैंने पॉइंट लिखवाया था अभी कंडक्ट में भी चलेगा, सॉलिड स्टेट में जैसे ही मैं इन दोनों को चिपकाऊंगा लिक्विड में चल जाएगा, नहीं चल रहा ना लिक्विड में, जितना भी पास पास लेके आना नहीं चल रहा, मैं इवन बहुत पास भी लेके आना तो भी नहीं चल रहा है ठीक है, मगर तुम्हारे सामने ये दिखाऊंगा तो देखो जल रहा है, आए ना डन, तो मतलब ये सॉलिड स्टेट में नहीं चल रहा। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एक्टिविटी, सेकेंड करने के लिए सेकंड एक्टिविटी पानी, बताओ पानी कंडक्ट करता है नहीं करता, करता है, देखते हैं तुम लोगों की बातें सही होती है नहीं होती। पानी को जैसे थोड़ा और पास ला, कोई नहीं एकदम लग गया, लग गया चल रहा है नहीं, भाई नमक डालो ना, ऑन तो है, ये देखो ना ये चल रहा है, ये मतलब नॉर्मली चिपकाने पे चल रहा है, मतलब पानी में डालने पे चल रहा है, ये पानी में डालने तो नहीं चला। अब लोगों को लग रहा है यार पानी में डालने पे क्या करंट नहीं लगा, पानी में डालने पे करंट तो लगेगा, मगर पॉइंट ये है कि अभी क्यों नहीं लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एक्टिविटी लोग आप नॉर्मली कर दोगे, अब देखो क्या होगा, ये दोनों नॉर्मली कंडक्ट नहीं कर रहे थे केमिकल रिएक्शन में, जादू नहीं दिखा रहा, तुम घर पे ये जादू दिखा सकते हो लोगों को जिनको रीजन नहीं समझ आएगा। अब ध्यान से देखना, अरे भाई झटका लग गया उस टाइम, देखा कि अब जैसे ही हमने डिप किया तो ये बल्ब कितना अच्छा चल रहा है, शायद मेरे सबसे पहले से तेज चल रहा है, मुझे ऐसे नहीं लगता पहले से भी तेज चल रहा है, रीजन ये है पता चलेगा। अब नॉर्मल पानी में करना पड़ेगा, नहीं ऐसी करो ना कि तो क्या ये जादू नहीं है, ये साइंस है। रीजन यहाँ पे क्या हुआ था कि पानी के अंदर जब हमने नमक को मिक्स किया तो पानी के अंदर नमक के आयन टूट गए, Na प्लस हो गया, Cl माइनस, जब ये दोनों आयन टूटे तो बिजली जैसी इसे मिली तो ये भागते भागते गए और बिल्कुल भागते भागते एक लाइन में भागे और इन्होंने करंट को यहाँ से वहां जाने दिया और बल्ब को जलने दिया। सिंपल पानी के अंदर पार्टिकल्स नहीं टूटे थे, H2O सिंपल मॉलिक्यूल बना हुआ था, जाने आने के लिए कोई काम ही नहीं करता था, सोचो जैसे घर पे कोई काम करने के लिए बुला रहा हो तो कोई काम करने के लिए बुला रहा हो, कोई काम करने के लिए आ नहीं रहा, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे हुआ था। पानी में जब हम तारों को डुबा रहे थे कोई काम ही नहीं कर रहा था और सॉलिड क्या होता है नमक के अंदर डाला तो भी कोई काम नहीं कर रहा, ये कौन से मोल्टन स्टेट यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में ही काम किया, तो ये चीज याद रखना। डन, तो घर जाके जादू तुम लोगों को दिखा सकते हो कैसे कैसे कौन सा जादू क्या काम करेगा, अगर याद रखना पानी अगर हमारी बॉडी पे लगाओ तो हमारी बॉडी का पसीने बाकी सब चीजें की वजह से कंडक्ट कर जाएगा, नॉर्मली बिजली करंट लगेगा हमें ठीक है। बाय बाय।